वो बहुत बिल्कुल जीरो थी, नेगलिजिबल थी, इसलिए हम पहले भी नालान थे। लेकिन कारण यही है कि ग्राम सभा का इसमें शामिल ना हो रहा, कारण यही है कि पंच साहिबान और सरपंच के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ उसकी सूरत में ये सूरत हाल हमारी दर्ज है। क्योंकि हमारा गांव हमेशा सियासी अड्डा रहा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, चाहे पीडीपी की, चाहे कांग्रेस की, कोई भी हुकूमत आई ही, लेकिन उसका महाज, उसका मंबा हमेशा चिवड़ा रहा। लेकिन इलेक्शन के बाद हमारे गाँव को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। हमारे गाँव में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं। एलजी इंतज़ामिया से पुर उम्मीद है और गुजारिश करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलाल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। आज के दिन हमने कश्मीर तरक्याती व इस्लाही अलायंस की एक अहम मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बहुत सारे अहम मामला दरपेश, जो हमारे दरपेश है, उन पर बात हुई। और अफसोस का मकाम यह है कि 2 साल पहले की बात है कि हमारा जो न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसका क़याम अमल में लाया गया था यहाँ, उसकी बिल्डिंग ज़ेरे तामीर थी, तकरीबन वो मुकम्मल है। लेकिन फिर भी हमारी जो हस्पताल के सहूलियात जो है, अभी भी नए हस्पताल में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है और इस पर अफसोस किए बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो मुश्किलात का सामना हमारे पेशेंट्स लोगों को करना पड़ता है, चाहे लेबॉरेटरी की सूरत में हो, डायग्नोस्टिक के सूरत में हो, या कभी कभार ज़्यादा बीमार होते हैं, एकोमोडेशन की कमी होती है, इसलिए हम सरकार से, खासकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से गुजारिश करेंगे कि ये हस्पताल, ये जो पुराना हस्पताल है, ये जल्द से जल्द नए बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होना चाहिए। और इसके लिए, नए हस्पताल के लिए जो DDC साहब ने लेबॉरेटरी के लिए पैसे मुख्तसस रखे हैं, डिस्पोजल पर रखे हैं सरकार के, वो जल्द से जल्द अमल दरामद हो। दूसरी बात यह है, चिवड़ारा विलेज में आज से करीबन 30-35 साल पहले की बात है, यहाँ वेटरनरी यूनिट का क़याम था। वेटरनरी यूनिट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन नामालूम कारण के बिना पर, नामालूम वजूहत के बिना पर, वो वेटरनरी यूनिट यहाँ से शिफ्ट हुआ। कहाँ लिया गया ये पता नहीं। उसके बाद हमने DC साहब से, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर से और सरकार से गुजारिश की कि यहाँ एनिमल हस्बेंड्री यूनिट की बहुत इंतहाई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है, इसलिए हम मुतल्लिका हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि जो वेटरनरी यूनिट का क़याम यहाँ था, वो दोबारा यहाँ उसका क़याम अमल में लाया जाए, ताकि हमारी वेटरनरी जो एनिमल हस्बेंड्री का शोबा जो है, वो उसका फ़रोग हो, वो आगे बढ़े। यहाँ ये इंतहाई अफसोस के साथ हम कह रहे हैं, यहाँ रिसेंटली जो पंचायत में हुआ, यानी हमारे सरपंच हल्का ए में हमारे सरपंच को सस्पेंड किया गया। हमारे अब जुडिशल कार्रवाई के सूरत में हमारे जो पंच साहिबान हैं, उनको भी अब रेस्ट्रेंड किया गया है। और पहले ही हम दुचार थे एक ऐसे माहौल से कि पंचायत कमेटी काम कर रही थी मनमानी से अपने बलबूते पर, और ग्राम सभा का इसमें कंसेप्ट बहुत कम था। ग्राम सभा का जो इसमें पार्टिसिपेशन थी, वो बहुत बिल्कुल ज़ीरो थी, नेगलिजिबल थी, इसलिए हम पहले भी नालान थे। लेकिन कारण यही है कि ग्राम सभा का इसमें शामिल ना हो रहा, कारण यही है कि पंच साहिबान और सरपंच के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ उसकी सूरत में ये सूरत हाल हमारे दरपेश है। इस सिलसिले में मैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो अब देखे कि जो भी डेवलपमेंट प्लान हमारे रूरल डेवलपमेंट में होगा, वो ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा जो अहम यूनिट है, बेसिक यूनिट है ग्राम पंचायत की और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, उसको काम में लाए
उसको शामिल करवाएं और ताकि हमारा डेवलपमेंट प्लान तरक्याती प्लान जो है वो सही और रिप्रेजेंटेटिव हो। मोहतरम हिलाल साहब, आपको बखूबी अहमियत है कि जिस गांव में मैं रहता हूं उसी गांव में आप भी रहते हो। चिड़ारा गांव तहसील बिरवा का एक अहम तरीन गाँव है भी और रहा भी, मगर हमारे गाँव को उस वक्त पूछा जाता है जब यहाँ कोई इलेक्शन की कार्रवाई की होती है, क्योंकि हमारा गाँव हमेशा सियासी अड्डा रहा है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, चाहे पीडीपी की, चाहे कांग्रेस की, कोई भी हुकूमत आई ही, लेकिन उसका महाज, उसका मंबा हमेशा चिड़ारा रहा। लेकिन इलेक्शन के बाद हमारे गाँव को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। हमारे गाँव में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं। एलजी इंतज़ामिया से पुर उम्मीद है और गुजारिश करते हैं कि हमारे इन मुतालबात को पूरी तौर पूरा किया जाए। हमें उम्मीद है कि जनाबी एलजी साहब अपनी अवलीन फुर्सत में हमारे इन जीर्ण मुतालबात को हल फरमाएं। नंबर एक, मेरे साथी अब्दुल्ला ए मीर साहब ने आपको अभी इंटरव्यू में कहा कि हमारे गांव में 5000 नफूस पर मुश्तमिल है, हमारा एटीएम यहां नहीं है, वेटरनरी यहां नहीं है, बाकी जो यहां आप देखते हैं ये सड़क से ये बिजली तार लाई गई लेकिन अभी अधूरी है, इसको भी पूरा नहीं किया गया है। एक साल भी हो गया है और हमारा जो अस्पताल है गवर्नमेंट अस्पताल, पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनाई गई, 2-3 साल हो गए, लेकिन उस सिर्फ एक मसला है, वहाँ पुल बनाना है। मेहरबानी करके हम एलजी साहब से मुझबाना गुजारिश करते हैं कि वहाँ पुल बनाकर इस पुरानी बिल्डिंग को वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि नए अस्पताल को या वहाँ यह 2-4 गांव आवाम को सहूलियत होगी क्योंकि 2-4 गांव वानियामा, चाक, ओनगाम, मीरपोरा, माछामा, आसपास के गांव यहाँ यहाँ आते हैं ताकि हमें सहूलियत मैसर हो। हमारा यहाँ हमारा पुराना मुतालबा रहा कि यहाँ हर सेकेंडरी दी जाए। मेहरबानी करके हमें उम्मीद है कि जनाब एलजी साहब हमारे इन जीर्ण मुतालबात को पूरा फरमाएंगे। अच्छे बनोमुत हाल ही कह वरी गो अस बनो ये मुतदा तरक्याती व कश्मीर तरक्याती व इस्लाही फोरम एलाइंस तथ अंडर काम करान आज तो सो मीटिंग बनोमुत मुतलिक मे ओत वो कि अस गाम वह मसाइल लकड़ लकड़ मसल पान हल कर मगर यम बड़ बड़ मसल हुकाम बालान तर वाना तुंद जरिए तो लिहाजा उस आज ये अथ बारस मे मीटिंग बनोमुत गुजारिश कर कि सब मुतालबे ग पूरी इन कर।